గౌరచంద్రాయ రాధికాయ ఇష్ట
तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पगरुहस्य कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्टे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश भवभीतकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य हितासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ चैव साई करि चरण वंदन जाहा हैते विघ्ननाथ अभीष्ट पुरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे गुरुपाद पद्म नितलिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधुलक्ष्मी श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़े शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलिला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री रामचंद्र प्रभु जी अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को भी यथायोग्य प्रणाम हरे कृष्ण। हम लोग 10 दिन जाबत श्री रूप गोस्वामी की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में जो उपदेश प्रदान की थी रोज रोज थोड़ी थोड़ी उसी विषय पर हम सुन रहे थे और जो श्री रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत उन्होंने ग्रंथ रचना की है और एक एक श्लोक भी उससे भी हम लोग एक एक श्लोक सुन रहे थे। आज हम और एक श्लोक श्रवण करेंगे। कहते भजन करने का प्रणाली क्या है, श्री रूप गोस्वामी इसकी रहस्य को बताते हैं। बोले सियात कृष्ण नाम चरितादि सितात विद्या पितप्त रसनस्य न रुचिकानो किन्त्वा तदा गर्वदिनं खलु सैव जुष्टां स्वाद्वी कर्माद् भवति तत् मूलहंत्री। इसी श्लोक में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते जो भगवान का जो नाम है सबसे मीठा, इससे दुनिया में मीठा कुछ भी नहीं, सबसे मीठा भगवान की नाम है। इसलिए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगलानां प्रकम्पतम सकल निगम बन्ही सकल जीव स्वरूप थोड़ी सी सकृदपि परिहित श्रद्धया हिलयाबा भृगुवर नर मात्र तारे दिशा। इसी श्लोक में बताए अत्यधिकम की प्रकम्पतम, इसमें बताए जब जो कृष्ण नाम है बोले मधुरम मधुरम में सब, यदि ये मधुर से भी अगर सबसे ज्यादा कोई मधुर हो बोले भगवान का नाम, इससे मीठा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ना, कुंडे तांडव निमित्त विकलुते कुंडावली लगते। ये कृष्ण नाम जब जीवा में उदित होता है उनको ऐसे लगता है जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं पागल होकर के। जब कृष्ण नाम ये जीवा में उदय होता है ऐसे थिरकने लग जाती है जैसे शंकर जी से तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे जीवा भी तांडव नृत्य करना शुरू कर देती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इतने जो कृष्ण नाम इतने जो मीठा है इसको करने के लिए एक जीवा दे दिया ब्रह्मा जी, इसको तो सृष्टि करना आता ही नहीं, सृष्टि करना आता ही नहीं। इसलिए बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, जो कृष्ण नाम प्रति पद पद में एक नई 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 रस का आस्वादन होता है, नई नई आनंद प्राप्त होता है कृष्ण नाम। और चत मधुर से भी मधुर और मंगल से भी भगवान का नाम मंगल है, इससे मंगल और कुछ हो ही नहीं सकता है कृष्ण नाम। लेकिन अभी कृष्ण नाम तो इतने मीठा है, कृष्ण नाम तो इतने मधुर है, लेकिन अभी हमें कृष्ण नाम मीठा नहीं लगता है, कृष्ण नाम अभी हमें मीठा नहीं लगता है। और दुनिया की बात बताने के लिए बोलो दिन भर भगभग भगभग करते रहे है? अगर किसका चुगली करना हो तो बाबा जुआ में तो एक नहीं, वो तो एकदम पागल, इससे तो स्वाद ज्यादा कुछ नहीं है इसकी चुगली करना, इसमें जितना मिठास है और दुनिया में और किस चीज में इतने मिठास है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम तो मीठे से मीठे हैं, लेकिन अभी कृष्ण नाम हमें मिठास नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं लगता है? कारण है हमारा ये जो जीवा है ना, हम अनादिकाल से भगवान से बिछोड़ करके, अनादिकाल से भगवान से बिछोड़ करके जन्म जन्मांतर तक ये विषय भोग करते 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 हमारा जीवा का कर्तव्य क्या है? तो जीवा का एक ही कर्तव्य है भगवान की नाम कीर्तन करना, भगवान की नाम कीर्तन करना। लेकिन हमारे जीवा में अभी प्रभु का नाम कीर्तन हम अच्छा नहीं लगता है, दुनिया की चुगली निंदा उसमें अच्छी लगती है। अभी ये जन्म जन्मांतर से विषय भोग करते 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 ये जो जीवा है ना इसमें बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, बहुत बड़ी बीमारी लग गई। इसलिए अभी कृष्ण नाम हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी क्या करनी चाहिए? उदाहरण दिया जैसे किसी व्यक्ति को जैसे जल्दी से हो जाने पर पीत का रोग हो जाने पर क्या होता है, उसको कोई मीठा चीज दो, कोई उसको मीठा चीज दो, उसको मीठा नहीं लगता है, उसको कड़वा लगता है। लेकिन पहले कोई दवा नहीं होता था, डॉक्टर लोग बोलते थे देखो तुम मिश्री चूसा करो, तुम मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री तुम्हें मीठा नहीं लगेगा, अभी मिश्री तुमको कड़वा लगेगी। लेकिन क्या करना, छोड़ना नहीं, मिश्री को चूसते रहो, चूसते 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 क्या होगा, धीरे 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 हमारे जो पीत का जो बीमारी है ना वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। खैर तो मिश्री इतने मीठा लगने लग जाएगी, फिर तुमसे मिश्री छूटेगी नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते उसी तरह जन्म जन्मांतर तक हम भगवान से पिछड़ करके ये विषय भोग करते 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 हमारा जो नेचर है ना खराब हो गया, हमारे स्वभाव खराब हो गया। अभी है अभी हमारे स्वभाव खराब हो गया, अभी क्या करनी चाहिए? तो ये करनी चाहिए अभी भगवान का जो नाम को लेकर के बैठो, इच्छा नहीं करने पर भी माला को लेकर के बैठो, बैठ करके आदर पूर्वक क्या करनी चाहिए, आदर पूर्वक धीरे 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 भगवान की नाम को जप करो। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इसी श्लोक को ऊपर में उन्होंने एक बड़ा सुंदर उन्होंने कीर्तन भी लिखा है, वो कीर्तन है बोले प्रपंच परिया अगति हैया ना देखे ओ पाया, अगति रगति चरणी सरणा तुम्हारे करी मुसार। उसके बाद में इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी इसी श्लोक ऊपर बड़ा सुंदर उन्होंने कीर्तन लिखा, बोले प्रभु प्रपंच बढ़िया अगति हैया नाते की उपाय। प्रपंच मतलब होता है माया की जगत में,
हम भगवान से भूल करके माया की जगत में हमने आ गए, आ करके ये विषय भोग करते 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 हमारा जो टेंशन नष्ट हो गया। नादे की उपाय अगर तिरल गति चरण शरण तुम्हारे करुसार, जिसका जगत में कोई भी गति नहीं उसका गति को बैठा दो। जगत में जिसकी कोई भी शरण करने वाले नहीं, शरण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण उनको शरण देने वाले। इसलिए हे प्रभु कर्म ज्ञान किछु नाही और साधन भजन नाही, मेरे अंदर में कोई कर्म ज्ञान साधन भजन प्रभु मेरे अंदर में कुछ भी नहीं ठाकुर जी। इसलिए कहते अनु दिन जेना तब नाम गाई क्रमे से कृपया तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादि बना। भगवान के नाम अभी अच्छी नहीं लग रही तो क्या करनी चाहिए? बोले अनुदिन जेन तब नाम गाई, इसका मतलब है मन नहीं लगने पर भी माला को लेकर के बैठो, माला लेकर के ठाकुर के सामने बैठो। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम कैसे करनी चाहिए। हम बड़े दिन तक हरिनाम करने पर भी तभी हरिनाम का जो फल है ना कृष्ण प्रेम तभी प्राप्त नहीं होता है, तभी कृष्ण नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही है। भले कोई कोई व्यक्ति तो एक एक लाख हरिनाम करते हैं, एक एक लाख भी हरिनाम करते हैं, लेकिन करने पर भी तभी कृष्ण नाम उसको रुचि का फल नहीं मिलता है। बोले कारण क्या? बोले जैसे नाम करनी चाहिए हमको वैसे नाम हम नहीं करते, इसलिए नाम का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा। फिर क्या करनी चाहिए? तो प्रभुपाद दो तीन उपाय बताए। पहला उपाय बताए तुलसी को सामने रखो, तुलसी को सामने रख करके उसको सामने बैठो, बैठ करके तुलसी को दर्शन कर दो, क्योंकि जो तुलसी है तुलसी को नहीं कहते वृंदा आई तुलसी देव भाई प्रिया आई के सबस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमः। यदि जो तुलसी है ये कृष्ण भक्ति को देने वाले ये तुलसी देवी और तुलसी भगवान की प्रेयसी और तुलसी में भगवान का निवास है, भगवान की निवास, इसलिए सामने तुलसी रख करके तुलसी को दर्शन करते करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कहिए, एक उपाय बताए। दूसरा उपाय क्या बताए? बोले ठाकुर को सामने बैठी करके, ठाकुर जी को सामने बैठी करके ये हरिनाम करो, ठाकुर जी को सामने रख करके। तीसरा उपाय बताए कुछ ऐसे समय निकालो जो एकांत में बैठे करके, कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं, कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं होनी चाहिए। एकांत में बैठे करके हृदय से पुकार पुकार करके, हृदय से भगवान को पुकार पुकार करके, रो रो करके हरिनाम करो। जब कुछ दिन ऐसे हरिनाम करोगे फिर धीरे 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 नाम का पर तुम्हारी रुचि निष्ठा धीरे 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 आएगी और धीरे 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 हृदय की जो अनर्थ है, हृदय की जो अपराध है वो धीरे 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 ये दूर होगा। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इसलिए क्या करनी चाहिए, मन नहीं लगने पर भी ये मन को लगा कर क्या करो, धीरे 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 हरिनाम करते जाओ, जितना हरिनाम करते जाएंगे उतना परिमाण में अनर्थ दूर होती जाएगी और उतना परिमाण से भगवान के नाम का प्रति तुम्हारी धीरे 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 निष्ठा आएगी। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 करके आज पधारे। प्रभु जी को मैंने बड़े दिनों से प्रार्थना कर रहा था लेकिन प्रभु बहुत बिजी थे, प्रभु कुछ दिन के लिए अमेरिका भी गए थे प्रचार करने के लिए, फिर मंदिर में आए तो
अभी वहाँ कोई क्लास देने के लिए कोई है ही नहीं, प्रभु को सवेरे और शाम को दो दो बार प्रभु को क्लास देना पड़ता था, इसलिए प्रभु के पास में समय नहीं होता था। लेकिन आज प्रभु जी कृपा करके कोई आए, सात महाराज आ गए अभी क्लास देने के लिए, प्रभु जी कोई हुए भी थोड़े से सुन। हरे कृष्ण हरे हरे। तो खराब है क्या? हरे कृष्ण आवाज आ रही है? ठीक है। इसलिए आज प्रभु जी कृपा करके हमारे बीच में प्रभु पधारे हैं। इसलिए हमारे जो प्रभु जी हमारे जो सोसाइटी है ना, ये जैसे ये माँ का काम है प्रभु जी करते हैं, जैसे ना, इसलिए प्रभु जी हमारे सोसाइटी की माँ की काम करते हैं। जैसे माँ होना फिर बच्चों का कोई चिंता नहीं, इसलिए हम लोग निश्चिंत होकर जैसे हम विदेश जाते हैं प्रचार करने के लिए, इधर उधर भी निश्चिंत होकर के प्रचार इसलिए करते हैं। प्रभु जी सारे दायित्व मंदिर की, हमारे जो सोसाइटी के सारे दायित्व प्रभु जी सबके सब सब दायित्व को प्रभु निभाते हैं। और जब से गुरुदेव थे प्रभु जी ने इतने गुरुदेव की सेवा की, अपना नौकरी छोड़ छाड़ करके हैं, नौकरी छोड़ छाड़ करके सब कुछ उन्होंने एक ही घर में, जैसे श्रीवास संगन है ना, श्रीवास संगन में महाप्रभु जैसे नित्य निरंतर जैसे श्रीवास संगन में प्रभु कीर्तन करते थे, इनके घर में भी श्रीवास संगन था। जब प्रभु पहले संसार में थे वहां पर रोज हरि कीर्तन हरि कथा होती थी, और प्रभु जी भाग भाग करके कहा से वृंदा ही दिल्ली से भागते भागते मथुरा आते थे गुरुदेव की कथा सुनने के लिए, अपना नौकरी करते थे कथा सुनने के लिए प्रभु जी वहां पर आते थे। और उसी समय प्रभु अकेले ही थे, जो विदेशी लोग जब आए उनको ट्रांसलेशन करने के लिए, और इतना कोई अंग्रेजी में इतनी बढ़िया अंग्रेजी किसके नहीं थी, प्रभु जी गुरु जी की जो हरि कथा को गुरुदेव ट्रांसलेशन करते थे। एक समय जैसे पूरा पृथ्वी के सारे भक्त लोग आते थे उसमें गुरुदेव थे हिंदी में कथा करते थे, फिर प्रभु जी उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते थे। जब ये परिक्रमा समाप्त हो गया, एक दिन महाराज जी ने बोले ये परिक्रमा में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है, ये परिक्रमा में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला है? बोले श्री रामचंद्र प्रभु को मिला है। बोले क्यों? क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि एक होता है ऐसे सुन लो, और एक होता है उसको प्रभु को ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ना, फिर प्रभु को ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से उसको सुनना पड़ता है। फिर उसको प्रभु जी नोट करते थे, फिर उसको बाद में फिर गुरु जी कथा को ट्रांसलेशन करते थे, गुरु जी कथा को ट्रांसलेशन करते थे। इसलिए वही ट्रांसलेशन कर सकता है जो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट सुने, अपने जब दो बार बोलते हैं ना बस वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी प्रभु जी गुरु जी रहते समय गुरु जी का जो विचार जो सिद्धांत गुरु जी की जो सूक्ष्म सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म जो विचार है कभी कभी प्रभु जी बताते, क्यों वो सुनते थे और उसको प्रभु जी ट्रांसलेशन करते थे। इसलिए गुरु जी का समय से उन्होंने गुरु जी की बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की। मुझे लगता है दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा कोई सेवा की ना प्रभु जी ने की है, और उन्होंने इतने भक्तों को गुरु जी की चरण में आए। पहले हमारे मथुरा मंदिर में थे जो फोन है ना, एक फोन भी थी नहीं, उस समय गुरुदेव साधन भजन करते थे और इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब रामचंद्र प्रभु जी आए तभी से भक्त लोग आना जाना शुरू किया, और हमारे गौरी मठ का जो संपत्ति जो ऐश्वर्य है वो धीरे 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 करने शुरू हुआ, और वो बढ़ते बढ़ते प्रभु जी से शुरुआत हुआ। फिर ये जब प्रभु जी इस्कॉन में वहाँ पे बहुत बड़े अच्छे पोस्ट चले थे, इस्कॉन में उनको माने जाने माने व्यक्ति मानते थे। लेकिन जब गुरुदेव के पास ना आए अभी उस पर इस्कॉन के जो अच्छे अच्छे वहाँ के जो क्रीम वहाँ के हैं जो क्रीम थे, बल्कि क्योंकि ये तो इस्कॉन के बड़े पोस्ट में थे, बल्कि ये क्यों जा रहे हैं गुरु जी के पास में, क्या जरूर कुछ है? इसलिए फिर धीरे 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 बहुत सारे भक्त आने लगे। फिर यहीं से शुरुआत होते होते
गुरु जी का जो प्रचार है ना ये संपूर्ण पृथ्वी में है, गुरुदेव का जो नाम प्रचार ये संपूर्ण पृथ्वी में जो भी है इसका जो शुरुआत है ना ये हमारे प्रभु जी श्री रामचंद्र प्रभु जी। जब से मैंने मठ में आया हूँ तब से प्रभु जी की हमने दर्शन किया है, इसलिए गुरुदेव कथा को नोट करना बोलना सब जगह पर करना और प्रभु जी के अंदर में और एक विशेष चीज जानते हो इतनी सहन शक्ति है ना, भले ही सारा दुनिया कुछ बोल ले इधर उधर कर ले लेकिन प्रभु का अंदर जो सहन शक्ति है ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कहते हैं ना जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो नाश रहे, इसलिए इसी जगत में हो नहीं तो भक्ति जगत में होगा है। इसलिए प्रभु जी के अंदर में हम कल सुन रहे थे ना भाव की नौ लक्षण है, कितना लक्षण है, पहला क्या था, क्या था, ये लड़की बड़ी तेज अच्छी बात इसकी याद है। इसलिए पहला लक्षण था शांति, शांति मतलब क्या है, मतलब बड़े से बड़े विपत्ति उपस्थित होने पर भी जो स्थिर रहे और स्थिर होकर के अपना साधन में जाए और भक्ति को जो करे, कभी ये पहला लक्षण भाव का ये पहला लक्षण ही शांति है। इसलिए श्री भगवान कपिल देव जब अपना माँ को कह रहे थे उपदेश दे रहे थे जब उन्होंने संतों का लक्षण बताया ना उन्होंने भी यही बताया प्रतितिक सब कारण ही का श्रुही द सर्वदेहि नाम अजाद सत्र वसंता साधु ही साधु भूषण, बोले ये साधुओं का भूषण है ये संतों का कौन है, पहला क्या बोले प्रतितिक सब सहन सब, ये बहुत बड़ी चीज है जो सहेगा सो रहेगा जो नाश आएगा वो नाश होगा। इसलिए प्रभु जी हम लोगों को अपना बच्चे जैसे पालन करते हैं, हर समय सुख दुख आपत्ति विपत्ति में प्रभु के पास में जाओ तो प्रभु जी हर बात को कोशिश करते हैं जितना दूर मदद कर सके, प्रभु हर समय कोशिश करते हैं। हम जो ये जगह स्थान लेने के लिए ये स्थान को लेने के लिए अभी पैसा की भी जरूरत था है? हमारे पास भी इतना पैसा था नहीं कोई जगह ले, हमने कभी प्रभु जी को पास में हमारे जीव प्रभु कभी गए बोले ऐसे ऐसे लेकिन प्रभु तैयार ही बोले कुछ जरूर होगा होगा तो मैं पैसा दे करके मैं मदद करूंगा, उस पैसा दे करके मैं मदद करूंगा, प्रभु जी उत्साहित दिए हैं, कभी प्रभु जी निरुत्साहित नहीं उत्साहित दिए, ठीक है करो जितना दूर हो सकता मैं मदद करूंगा। इसलिए प्रभु जी आज कृपा करके हमारे बीच में आए, अभी प्रभु जी आप लोग को बड़ी प्यारी प्यारी बेटी बेटी और बड़े मधुर मधुर प्रभु जी कथा सुनाएंगे, आपको आपको उपदेश देंगे कैसे जीवन में साधन भजन भक्ति करनी चाहिए श्री रामचंद्र प्रभु जी, इनके लिए ताली बजा लो। वंदे अहम श्रीगुरुवत्कमलो श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चेतन श्री राधा कृष्ण पद सहगण रघुनाथम परिजन सहित कृष्ण चेतन श्री राधा कृष्ण पद सहगण वरिता श्री विशाखा अन्वेताच अज्ञान से प्रस्त ज्ञान से उत्तरा गया चक्षुर न मिल तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णु पदाय र
राधिका है प्रियात्मने ऋषिमात भक्ति है नारायण गोस्वामी दीनाम श्री कृष्ण लीला करते सुदक्षम अवतारे मधुरे गुणेश युक्तम परमरेण्यम पुरुषम आनंदम नारायण भगवान शिवता नमामि वांछा कल सर्व है कृपा सिंधु वै पतितान नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरी कृष्णे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवान सतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय सत्सेवाय प्रियाय केशवश कृष्णवर्ति प्रतिदेवी सत्यवर्ते नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम एक बार फिर बोलो हरे Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कपड़ा जितना फट जाता है ना उतना उसको सीना पड़ता है तभी इस्तेमाल होता है. मैं ऐसे फटा हुआ कपड़ा हूँ के लिए महाराज जी को सीसी के तारीफ कर करके मेरे को इस्तेमाल करना पड़ता. समझ आ रही है मेरी बात? कौन सा कपड़ा हूँ? फटा हुआ कपड़ा हूँ. अब आप लोगों को इस्तेमाल के लिए महाराज जी मेरी सीसी के सीधे के मेरी तारीफ कर रहे हैं. क्या तारीफ कर रहे हैं? सहन शक्ति कौन जाता है? मुझे वही नहीं दिखती मेरे अंदर से तनी कभी झट कोई चीज भी बर्दाश्त होती नहीं है कि महाराज जी ने वाह छान दे. असल में महाराज जी बोल रहे हैं ना, जब भी बोलते हैं तो शीशा देखते हैं. क्या कहते हैं? शीशा देखते हैं. अपने जितने गुण है बोलते चले जाते हैं. दूसरा कहाँ कहाँ सुनता रहेगा कि नहीं है ये क्या कह रहे हैं? कैसे कैसे है महाराज जी का ये गुण है. मैं तो रसास्वादन करता हूँ महाराज जी की बात. क्या रसास्वादन है? प्रतिष्ठा रसास्वादन. जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे ना, निंदा करो बुराई करो बड़ा मजा आता है. इसको कहते हैं निंदा रस. जो हम पीते हैं रोज निंदा रस. महाराज जी का क्या है? तारीफ रस. वो मुझे पिलाते हैं मैं पीता हूँ. कैसे? चढ़िया बैठे धनिया के पेड़ पे ली करेंगे राम. हम लोग यहाँ पे 10 दिन से रूप गोस्वामी जी के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं. मुझे सुनने में आया चर्चा चलती जल्दी आ रही है. मेरे से बोलोगे क्या बोलोगे तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ.
फिर भी जो मेरे दिमाग में है उठ पटांग आ रहा है वो सुनते चले जाओ। देखो एक बात अच्छी तरह से सुनना, एक आदमी मट्ठी खा रहा है, मट्ठी मटरी जानते हो ना, या पॉपकॉर्न खा रहा है सड़क पे बैठ के, कुछ गिर जाते हैं, एक कुत्ता आता है उसको खा लेता है, जो गिर जाता है ना कुत्ता खा लेता है। कुत्ते के भाग में क्या है, जो आदमी खा रहा है उसी का झूठन कुत्ते के भाग में। तो अगर मटरी खा रहा है तो कुत्ते के भाग में क्या है, मटरी। अगर दूसरा आदमी रसगुल्ला खा रहा है उसके नीचे जो कुत्ता होगा वो क्या खाएगा, और रसगुल्ले का रस भी है। जो कुत्ता रसगुल्ले वाले के नीचे बैठेगा उस पर रसगुल्ले का रस मिलेगा, और जो मट्ठी खाने वाले के नीचे बैठेगा उसको मट्ठी खाने को मिलेगा। ऐसे ही हमारे बड़े बड़े आचार्य आए, उन्होंने भक्ति भक्ति की बात कही मट्ठी के रूप में। भक्ति क्या है, संसार से विरक्ति और कृष्ण में अनुरक्ति हो गई, संसार से विरक्ति डिटैच हो गए और भगवान में अनुरक्ति। साथी ये क्या हो गई, ये मट्ठी है, कौन सी भक्ति है, मट्ठी वाली। मट्ठी में क्या है, स्वाद है पर रस नहीं। अब भगवान से अनुरक्ति कैसे हो कि वो रस बन जाए, तो ये जो रसगुल्ला खाएगा वो बता रहा सकता है कि रस क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु बन के आए, क्या बन के आए, चैतन्य महाप्रभु बन के आए, और उन्होंने मट्ठी नहीं खाई रसगुल्ला खाया। उनके रसगुल्ले खाने से जो रस गिरा तो उसमें जो कुत्तों ने खाया वो क्या मिला उनको, रसगुल्ले का रस मिला। अब क्या है इसको समझना, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। गौड़िया मठ के लोग रूपानुग कहलाते हैं, रूपानुग, नुग मैंने क्या होता है, नुग मैंने क्या होता है, तिलक लगाया बताना पड़ेगा, मतलब नुग मैंने क्या होता है, रूपानुग, नुग मैंने क्या होता है, हम लोग कौन है, रूपा नुग, मतलब क्या होगा, बदलाव रूपा नुग मैंने क्या मतलब, इसको संधि विचेद करो, देखो पीछे से बोल रही है, हम रूपा नुग नहीं है, हम रूपा अनुग है, तो रूप प्लस अनुग बन गया रूपा नुग। वैसे हम रूपानुग नहीं है, क्या है, रूप प्लस अनुग, अनुग मैंने क्या, अनुग मैंने फॉलो करने वाला, इसको फॉलो करने वाला रूप गोस्वामी को फॉलो करने वाला क्या हो गया, रूपानुग, रूपानुग, हम रूप गोस्वामी जी को फॉलो करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के शेष डायरेक्ट शिष्य हुए, उन्हें हम छह गोस्वामी कहते हैं। ये छह कौन लोग हैं, छह गोस्वामी कौन है, देखो पीछे वाली तेज है, बड़ी तेज, आप लोगों को भी तेज बनना पड़ेगा। छह गोस्वामी कौन है तुम बताओ,
भजन याद है, भजन याद से स्मरण कर देगा। जय रूप सनातन भट्ट रघुना, शिव गोपाल भट्ट दास रघुना। अब हम छह जने हैं, रूप सनातन और उनके भतीजे जीव। भतीजे कौन? जीव। बच्चों याद कर लो, कौन कौन? रूप और सनातन दोनों भैया, लगे भैया, और उनके उनके भतीजे जीव। जीव संगीते। और फिर दो जने का नाम एक ही है, रघुनाथ, लेकिन उनका आगे नाम एक में दास लगता है, एक में भट लगता है। रूप सनातन जीव, रूप सनातन जीव, एक ही परिवार के लोग, दो भाई। कौन कौन भाई? रूप और सनातन। और जीव कौन? वो उनके भतीजे। और रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट नाम एक ही है, रघुनाथ दास और एक रघुनाथ भट्ट। कितने हो गए टोटल? एक है, वो भी भट्ट है लेकिन नाम अलग है, गोपाल भट्ट। अब छह याद कर लोगे ना? ये छह कौन थे? ये वो छह थे जिनको चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट संग मिला था। छह गोस्वामी। हम सनातन गोस्वामी अनुग नहीं मानते, नहीं लिखते अपने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अनुग भी नहीं लिखते, छियों की छियों आप जी के शिष्य हैं, लेकिन हम क्या लिखते हैं अपने लिए? रूपा छह गोस्वामियों का नाम नहीं आता, किसका नाम आ रहा है? रूप गोस्वामी का। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो बाकी पांच बजे वो रूप को ही फॉलो कर रहे थे। तो जब ट्रेन जा रही है तो इंजन फॉलो किया जाता है, डिब्बे का नाम थोड़ी है। बाकी सब क्या हो गए? फॉलो करते हैं। तो हम रेलगाड़ी चल पड़ी, आप स्टेशन पे पहुंचे, देखो गाड़ी जा रही है, क्या करें? आप टिकट सबसे पिछले डिब्बे में घुस गए, कितने तो चली गई। डिब्बा कौन सा आपको पता नहीं है, आप किसी तरह से सबसे पिछले डिब्बे में घुस गए किसी तरह। अब वो ट्रेन में हो या नहीं, आगे ट्रेन पहले पिछले डिब्बे में ही घुसा। तो हम लोग पिछला डिब्बा है, अगर आप लोग इसमें घुस जाओ तो काम बन जाए। ट्रेन बड़ी लंबी है, डिब्बे बहुत। पर जो इंजन है वही मूल कहलाया जाएगा कि ये गाड़ी वो है। रूपा हम कौन हुए? कृष्ण का दिल किया कि वो राधा जी बन जाए। क्यों किया? कृष्ण आनंद लेने वालों में से, क्या कहते हैं? हम लोग इंजॉयर नहीं है, समझना, हम लोग इंजॉयर नहीं। इंजॉयर एक ही है दुनिया में, कौन? लेकिन कृष्ण देखते हैं इंजॉयर तो मैं हूं और राधा जी को आनंद ज्यादा आ जाता है, जबकि राधा जी आनंद लेना नहीं चाहती है। समझना एक बात को अच्छी तरह, राधा जी आनंद लेना नहीं चाहती है, पर राधा जी को क्या आता है? आनंद आता है। फिर वो राजू से तो ना बोलते हैं, मेरे से ज्यादा तो इनको आनंद आता है। अब उनका दिल किया मैं भी क्या बन जाऊं? राधा जी। क्यों? वो जो राधा जी वाला आनंद है वो मुझको। कृष्ण का दिल किया कि राधा जी वाला आनंद मुझको। फिर सोचने लगे राधा जी को आनंद क्यों मिलता है, मेरे ज्यादा आनंद क्यों मिलता है, इंजॉय में और वो ज्यादा आनंद लेते हैं। फिर उनको रीजन पता चला कि उनका प्रेम मेरे से ज्यादा है,
जितना मैं प्रेम करता हूँ उससे वो ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आनंद किस में भरा है? प्रेम में आनंद। तो फिर उनकी ये भी इच्छा है कि कितना प्रेम करती है पता चले। दादाजी जितना प्रेम करती है ये भी पता चले। क्योंकि उनको आनंद मिलता है किसके कारण? प्रेम के कारण। कितना प्रेम करती है मेरे से, कितना उनको आनंद मिलता है, ये दो तीन चीजें उनके दिमाग में आई। किसके दिमाग में? जीजा देखते हैं अपनी शक्ल बड़ी सुंदर लगती है, बड़े मुस्काते हैं, नीचते हैं, फिर आनंदित होते हैं। पर फिर सोचने लगते हैं कि मेरी तो अगर छाया भी राधा जी देख लेती हैं वो तो पागल हो जाती है। मैं इतना सुंदर तो हूं पर राधा जी की नजर, क्योंकि राधा जी की नजरों में क्या है? प्रेम। प्रेम के कारण राधा जी को कृष्ण जितने सुंदर है उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। सारा चक्कर किसका है? प्रेम के कारण राधा जी को कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। प्रेम के कारण राधा जी आनंद भरते हैं और प्रेम कितना करती हैं ये कृष्ण जानना चाहती हैं। अब कृष्ण तो कृष्ण है ना, कोई चीज अधूरी रह जाए तो उनको पसंद नहीं है। ये तीन चीजें जानने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए और वो राधा जी बन गए। राधा जी बनकर जब वो आए तो हमारे आचार्यों ने बताया कि उनका जो मोटिव था, उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था वो उस प्रेम को चखना था जो राधा जी चखती है। इसलिए उस प्रेम का नाम रखा प्रेम रस विरियास। जो राधा जी चखती है उस प्रेम का नाम क्या रखा? प्रेम रस विरियास। प्रेम, प्रेम का जूस निकाल दो। मेरे को एक बार सिर दर्द हुई, स्कॉन के सामने से गुजर रहा था तो वहां एक नेचुरोपैथी सेंटर है स्कॉन के सामने। सिर दर्द हुई, माइग्रेन पेन हो जाती थी तो मैं गया, मुझे मालूम है कितनी आवाज कितनी कब काम है। तो मैं सेंटर में गया, धोया, मिक्सी में डाला करके घास का जूस पीजा, सिर दर्द ठीक हो गया। 60% क्या फायदा होता है जूस से? सिर दर्द ठीक हो जाए। कैसे बनाओ घास का जूस? मिट्टी से काटो, होता है घास का जो रस है असली रस, ये नहीं है जो तुम कर रहे हो। क्या है असली रस? घास का असली रस, असली जूस, असली एसेंस वो है घी। घी कहां से आ गया भैया? घास में घी कहां से आ गया? गाय घास खाती है फिर वो दूध देती है, फिर दूध से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। तो घास का रस, घास का रस, रस घास का रस। तो प्रेम का रस, प्रेम का रस ब्रजवासियों का प्रेम। प्रेम का रस क्या है? ब्रजवासियों का प्रेम। और उस रस का भी रस निर्यास, रस का भी निचोड़ वो क्या है? वो राधा जी का प्रेम। प्रेम का रस प्रेम है भगवान से, ठीक है। मट्टी चाहिए, मट्टी
वैकुंठ में चले जाओ नारायण है, अयोध्या में चले जाओ राम है, वहां भक्ति है पर रस नहीं, वहां क्या है रस नहीं। भक्ति में प्रेम है, प्रेम में आनंद है, पर क्या नहीं है रस। अब रस कहाँ है? वो वृंदावन, वो ब्रज में है। क्यों रस है? क्योंकि वहां भगवान भगवान बनने की बजाय इंसान बनता है। वहां भगवान भगवान नहीं है, कौन है? यशोदा का लाला। उनको लगता ही नहीं है कि मैं भगवान हूं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। अब भगवान को भगवान बनने में ज्यादा आनंद आता है या इंसान बनने में ज्यादा, मनुष्य बनने में ज्यादा? भगवान को मनुष्य बनने में ज्यादा। अब समझना, मनुष्यों में जो प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, दोस्तों का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, ये प्रेम जो है भगवान और भक्त के प्रेम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्यों का क्या है, रिलेशनशिप। जब ये प्रेम भगवान करते हैं मनुष्य बनकर, तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता, क्या बन जाता है? प्रेम रस बन जाता है। इसलिए ब्रज में प्रेम नहीं है, ब्रज में क्या है? प्रेम रस। और प्रेम रस को भी निचोड़ दो, उसका भी रस निकाल दो, उसका भी निर्यास निकाल दो, तो किसका प्रेम? राधा जी का। तो कृष्ण प्रेम रस निर्यास को स्वाद करने के लिए आए, असली रसगुल्ला। अब उसमें से जो टपकेगा और उसको जो खाएगा वो मट्ठी नहीं होगी, वो क्या होगा? रसगुल्ले वाला रस। क्योंकि मैंने कहा ना अपनी मर्जी से गपशप मारो, लोगों को समझ आता जाए, ऐसे ही समझना। रूप गोस्वामी जी राधा जी की सेविकाएं, राधा जी की सेविकाएं। तो राधा जी जो रस और रस का निर्यास, रस का रस जो चलती है, वो सारा का सारा ये रूप गोस्वामी जी को, रूप सेविका को मिलता है, जिनका नाम है रूप मंत्री। राधा जी की सेविका में इनका नाम क्या पड़ गया? रूप मंत्री। इनके भैया सनातन गोस्वामी, वो राधा जी की सेविका में लवंग मंजरी, सब मंजरिया है। राधा जी के प्रेम के रस का निर्यास इनके पास आता है, बूंदे इनके पास गिरती है और वही बूंदे इन्होंने हम लोगों को दी। तो गोड़िया वाले लोग मट्ठी नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं? रस। जो कहां से आता है? रूप गोस्वामी रूप मंजरी से आता है, जो रूप गोस्वामी बन गए, लवंग मंजरी से आता है, जो सनातन गोस्वामी बन गए। ये जितने भी गोस्वामी हैं, इनके पास मट्ठी नहीं है, क्या है? रसगुल्ला है। कौन सा रसगुल्ला? जो राधा जी के पास होती है और वो चीज जिन्हें हमको दे रहे हैं, रस निर्यास। रस निर्यास तो चैतन्य महाप्रभु स्वाद करते हैं, हमको उसकी बूंदें मिलती है। रस निर्यास के हम लायक नहीं है, हम किसके लायक हैं? इसको बोला खुद रूप गोस्वामी जी ने बोला, इसका नाम दिया, क्या नाम दिया? श्री, क्या है? अनर्पित चरित चिरा करुणा अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति सूर्य। अपनी भक्ति का जो श्री है वो रूप गोस्वामी जी के द्वारा हमको दिया। किसने दिया? महाप्रभु जी देना चाहते। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी आए तो उनके दो इरादे थे, दो डिजायर्स। एक तो वो राधा जी वाला रस को क्या करें, तो रस निर्यास का टेस्ट करना उनका मेन ऑब्जेक्ट है।
दूसरा वो ये चाहते थे कि संसार के लोगों को वही राग मार्ग भक्ति दे दो। तो एक तो भक्ति हो गई वैकुंठ में भक्ति, वहां पे चार भुजाओं वाले भगवान है, भगवान और भक्तों के बीच में भक्ति, ये कौन सी भक्ति है? वैरी भक्ति। मैंने दूसरा नाम दे दिया, कौन सा नाम? मट्ठी वाली भक्ति। कौन सी भक्ति है? मट्ठी वाली भक्ति। मट्ठी मैंने, जो कोई पंजाबी है वो जानते हैं, मट्ठी मैंने हल्की, मट्ठी मैंने हल्की, और मट्ठी मैंने वो जो मट्ठी खाते हैं तो बैकुंठ में जो भक्ति मिल रही है वो मट्टी वाली रस्ती में भक्ति मिल रही है, और राम जी के यहाँ भी वही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मिल रहा है ब्रज में मिल रहा है वो रस बन जाता है। रस इसलिए बन जाता है कि यहाँ पर जो प्रेम है वो राग में आ जाता है। अब आप कहो राग किसको कहते हैं? जो हमारे घर में रिश्ते जा रहे हैं उनके लिए जो हमारे को माँ को बेटे से जो प्रेम है इसे राग कहते हैं। पति को पत्नी से जो प्रेम है उसको क्या कहते हैं? राग। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं हमारी हैं जो रूप गोस्वामी जी ने दी है राग किसको कहते हैं, लेकिन मैं उनकी बात को बिल्कुल मोटे मोटे रूप से आपको कह रहा हूँ कि संसार में आपसी रिलेशनों में जो प्रेम है उसको क्या कहते हैं? राग। और वही प्रेम जब हमारा आपस में है बच्चों के साथ इस त्रिकुल का, अगर बीच में कृष्णा आ जाए वैसा ही सिमिलर कृष्ण के साथ हो तो वो राग की परिभाषा, इसलिए वो रस बन जाता है। तो राग मार्ग की भक्ति देने के लिए और प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी आए। तो रस का स्वादन तो खुद कर रहे हैं और राग मार्ग की भक्ति देने के लिए ड्यूटी लगा दी उन्होंने रूप गोस्वामी, यानी रूप मंदिर। इसलिए हम लोग कौन बन गए? रूपा अनुरूपा, नुग नहीं रूपा अनुरूपा, रूप गोस्वामी के अनुगत। अब देखो क्या टाइम होता है, कर रहे होते हैं ना बाहर कुत्ते लड़ने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, तो कथा रोकनी पड़ जाती है। महाराज जी ने इसलिए कथा रोकी, मेरी भौंक सुन लो। क्या सुनो? भौंक सुन। अच्छा अभी हमारे गुरु महाराज जी के पास एक स्पॉन से व्यक्ति गया। हमारे गुरु जी नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर युष्मत् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी। तो इस्कॉन में सिस्टम है चार नियमों का पालन करना और 16 माला का जाप, ये इस्कॉन का नियम। तो वो गया गुरुदेव, हम चार नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, वो लोग में पहुंचे नहीं कृपा मिलेगी वो लोग में पहुंचे, ऐसे हमारे गुरु ने बोला। इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने यही बोला। क्या बोला? चार नियमों का, मीट नहीं खाना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, ये चार नियम। और जाप करना, कितना जाप करना? चाय चाय भी नहीं पीना, नशा नहीं करना। नशे में क्या आ गया? चाय नहीं। चार नियमों का वो लोग चले आएंगे। महाराज जी मुस्कुरा दिए, देखो भाई इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। जब हम मर जाएंगे तो फिर हमारा जन्म होगा, वो जन्म और हाई स्टैंडर्ड का होगा और हमें और अच्छा साधु संत मिलेगा। फिर क्या होगा? देखो हम जब भक्ति करते हैं,
भक्ति शुरू करते हैं। भक्ति शुरू कहाँ से होती है? ये सारी चीजें रूप गोस्वामी जी ने बताई है। भक्ति शुरू कहाँ से होती है? शुरू कहाँ से होती है? और वो अभी मट्टी ही है, वो अभी रस नहीं बन रही है। कोई बतला सकता है हाथ खड़ा करके भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? चल बेटे कहाँ से करेंगे बात है? भक्ति की शुरुआत कौन बोला करता है? सभी बोले शुरुआत कहाँ से होती है? हुआ क्या? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत चल रही थी। कहाँ चल रही थी? कुरुक्षेत्र में। तो ज्ञान का नाम क्या है? भगवत गीता। तो भगवान ने कहा कर्म योग का क्या कर, मतलब निष्काम भाव से कर्म करो और उसके फल को त्याग करो। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम दे भावनी। काम के फल को क्या कर दो? त्याग करो। अर्जुन कहते हैं उससे क्या होगा? बड़े नाक मुंह चढ़ा के बताओ उससे क्या होगा? भगवान बोलते हैं उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे तेरे मन में विरक्ति आ जाएगी, उससे तेरे मन में संसार के लिए वैराग्य पैदा हो जाएगा, फिर तू ज्ञान में स्थित हो जाएगा, फिर तू ध्यान लगा। मेरा क्या कर? कैसे ध्यान लगाओ? एकांत स्थान में चला जाए। भगवान कह रहे हैं पहले तो कह रहे हैं घर में रहे, खूब काम कर, काम कैसा कर? निष्काम। क्या मतलब निष्काम काम क्या होता है? हैं? निष्काम काम क्या होता है? कि काम तो करो, फल की इच्छा ना करो, और फल मिल जाए तो उसको भोग मत करो, उसको क्या कर दो? त्याग दो। अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु जी कोई नौकरी करने जाएगा उसका 50,000 का पे चेक है, वो चेक छोड़ के थोड़ी आ जाएगा, चेक लेके ही आएगा ना, आएगा घर में बीवी बच्चों की तरह खाएगा पिएगा, महात्मा लोग आएंगे उनको 100-200,000 रुपया दे देगा, बस कितना तो दे सकता है, पर पूरे कर्म के फल का त्याग कोई नहीं कर सकता। और आप क्या दे हो कि फल का क्या कर? और फिर फल के त्याग से भी काम नहीं बनेगा, उसके बाद जेल में वैराग आएगा, वैराग आने के बाद फिर तू क्या कर? ध्यान लगाने के लिए एकांत में चला जा, पवित्र स्थान बना ले, ना ज्यादा ऊंचे जाना नीचा, और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समस्त वैराग्य को धारण करके और अपने भाव के बीच में ना किसी में देखो, ना आंख बंद करो, ना आंख खोलो, बीच में हो, ऐसे ध्यान लगा। तो वो बोलते हैं कि प्रभु एक बार बताओ, मैं हवाओं को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, और आप ध्यान लगाने के लिए शर्त रख रहे हो, क्या शर्त है? मन को कंट्रोल कर, पहले तो कर्म के फल को त्याग क्यों कर नहीं सकते? ये तो कर्म ही क्यों करेगा अगर फल दिया? और दूसरा फिर उसके बाद कह रहे हो जब चित्त शुद्ध हो जाए, वैराग्य आ जाए तो ऊपर जाओ और उसका ध्यान लगाओ, और ध्यान के लिए भी शर्त रखती कि मन को काबू में करो। तो मैं आपकी ये सारी की सारी सीरियल को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि ये किसी व्यक्ति से संभव होगा। आप बोल रहे हो तो ठीक है, भगवान कहते हैं हाँ भाई है तो कठिन, पर बार बार अभ्यास कर, बार बार क्या कर इसका? कितनी बार अभ्यास करो? बोलते बार बार अभ्यास करके भी कामना बना मर गया, फिर उन्हें फिर अगले जन्म से शुरू करो, यहाँ से छोड़ा था वहां से शुरू करना। जब भगवान कृष्ण ने अच्छी तरह से देख लिया कि अर्जुन का इस पद्धति से मन नहीं लग रहा, तो बोलते मेरा भजन कर, दूसरा क्या रास्ता बताया? क्या कर? मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर,
मेरे में अनुरक्ति कर। तो अर्जुन कहते हैं ये बात 6 अध्याय आप बोल चुके, पहले नहीं कह सकते ये बात पहले नहीं कह सकते। 6 अध्याय बोले भगवान ने इसी चीज के चक्कर। होते देख सुनने वाले जितने लोग हैं ना, वो सारे के सारे लोग इसको समझ नहीं सकते जो मैंने कहा कि मेरी भक्ति कर। क्यों नहीं समझ सकते? बोलते मेरी भक्ति करने के लिए एक शर्त है, वो है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। जितने भी लोग हैं हर ऐरे गहरे नथु गहरे को भगवान मान लेंगे। साईं बाबा भगवान, दुर्गा देवी भगवान, और कहीं का पेड़ भी भगवान, वहां भी धागा मानते हैं। हर ऐरे गहरे नथु गहरे को भगवान मान लेंगे, लेकिन ये बात किसी को नहीं बात समझ आती कि मैं भगवान हूँ। ये उसी को समझ आती है जिसके अंदर ये चीज है। क्या चीज हो? ये पिछले जन्मों की सुकृतियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, तब एक व्यक्ति में श्रद्धा पैदा होती है। जब श्रद्धा पैदा होती है तो वो श्रद्धा सत्संग प्रदान करती है। सुकृतियां सत्संग प्रदान करती है और सत्संग में श्रद्धा पैदा होती है। समझना, सुकृतियों से क्या मिला? सत्संग। और सत्संग से क्या मिला? श्रद्धा। कैसे? सत्संग का मतलब है किसी महात्मा का संग, बहुत कुछ कोटि के महात्मा का संग। वही महात्मा तुम्हारा गुरु भी हो सकता है। तो गुरु और वैष्णवों की कृपा से श्रद्धा मिलती है। और श्रद्धा क्या है? कि ये बात मान लेना कि कौन भगवान है? कृष्ण भगवान। अगर इस चीज को हम नहीं मानते हैं तो भक्ति नहीं होती। कृष्ण भगवान है, कृष्ण के अवतार भगवान है, नारायण भगवान है, राम भगवान है। इस चीज में अगर हमारी श्रद्धा हो जाए तो वहां से शुरू होती है भक्ति। अब गौड़ीय संप्रदाय में गुरु जो है वो भक्ति कराने के लिए हमें श्रद्धा देता है। और गुरु ने बताया कि श्रद्धा का मतलब है, समझना इस चीज को, श्रद्धा का मतलब है कृष्ण सेवा की वासना। ये श्रद्धा का बीज है। जैसे किसी घर में घुसना हो तो पहले दहेज में पैर रखना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है। तो ये दहेज है। क्या दहेज है? इसे शरणागति कहते हैं। ये दहेज है कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब क्या है? ऊपर से श्रद्धा है, हम कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे अंदर अब ये इच्छा जग गई है कि हम कृष्ण की क्या करें? सेवा करें। कृष्ण सेवा की वासना गुरु हमें बीज के रूप में हमें देता है। और गुरु बन जाता है क्या कहते हैं, बीज देने वाला। और जिसको बीज मिलता है वो माली बन जाता है। अब माली का काम क्या है? बीज को अंदर क्या करो? बो दो। बीज को अंदर बो दो। कौन से बीज को? कृष्ण सेवा की वासना के बीज को बोगे तो उसमें से निकल के आएगा। कौन निकल के आएगा? श्रद्धा निकल। श्रद्धा का मतलब है कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा कर दी, अब और कुछ करने की जरूरत ऐसा विचार वाला आदमी, जिस तरह से भूखा आदमी रोटी खाने को खोजता है, वैसे ही इस श्रद्धा वाला आदमी भूखा हो जाए। श्रद्धा मीन यू हैव डेवलप, आपके अंदर भूख पैदा हो। किस चीज की भूख पैदा हुई? कृष्ण सेवा की भूख पैदा हो। अब कैसे करें? तो उसके लिए वो कोई उच्च कोटि के महात्मा को खोजता है और गुरु बना लेता है। श्रद्धा के बाद ऊपर उठा तो क्या बनाया उसने? गुरु बना लिया। गुरु से दीक्षा ले ली। अब गुरु से दीक्षा ले ली है, गुरु और वैष्णव के बीच में तो भगवान का नाम करना शुरू कर देता है। अभी भी भजन नहीं शुरू हुआ, भजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या शुरू होती है? क्या मतलब इसका? भजन और भजन की प्रक्रिया का क्या मतलब? दोनों में अंतर क्या है? हम लोग ना पुराने जमाने में कार चलाते थे ना, तो कार का सेल्फ खराब रहता था। सेल्फ जो बैटरी चार्ज करते थे, बैटरी वीक हो जाती थी, तो एक हैंडल होता था, उस हैंडल से ना कार को चलाया करते। आप लोगों ने तो देखा, क्या करो हैंडल को जोड़ दो,
किसको घुमाते हैं? एंजल से हम लोग इंजन को घुमाते हैं, जोड़ लगाते हैं। वही काम आजकल कार स्टार्ट करने के लिए स्विच बना दिया। स्विच तो हम क्या करते हैं? स्विच घुमाते, स्विच घुमा के क्या करते हैं? स्विच घुमाकर बैटरी के द्वारा हम इंजन को घुमाने की ये क्या हो रहा है? ये कार का इंजन हम घुमाने की खड़े करते हैं, अभी हम बाहर से उसको घुमाते हैं। तो ऐसे ही अभी बाहर से भक्ति कर रहे हैं हैंडल घुमा के, पर अभी इंजन नहीं चल रहा। समझ आ रही है? अभी इंजन चला नहीं। इसे कहते हैं अनिश्चितता भक्ति। कौन सी भक्ति? अनिश्चितता भक्ति। अभी भक्ति शुरू हो गई है, ऊपर ऊपर की है, तो भजन नहीं है, भजन प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब भजन जैसी, भजन नहीं, भजन जैसी। अब इससे भी बड़ा काम होता है, इस प्रक्रिया से भी बड़ा काम होता है। क्या काम होता है? डायनामाइट लगाया, और डायनामाइट लगाने से पूरे के पूरे पहाड़ ध्वंस हो जाते हैं, आपकी जो अनर्थ है वो ध्वंस हो जाते हैं। किससे? भजन प्रक्रिया। ये काम क्या करेगा? डायनामाइट से, भजन प्रक्रिया से हमारे क्या दूर हो जाएंगे? अनर्थों के दूर होने से ये रूप स्वामी जी बता रहे हैं, स्टेप बता रहे हैं, और ये गुरुदेव हमें समझा रहे हैं क्या कि 16 माला जाप कर रहे हो, अब तुम कौन सी स्टेज पे हो खुद सोच लो। श्रद्धा पे हो, गुरु कर लिया, भजन प्रक्रिया कर रहे हो, डायनामाइट लगा दिया और तुम्हारे अनर्थ दूर हो रहे हैं, निष्ठा आई कि नहीं? जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो आदमी दृढ़ हो जाता है। ये तो पहले पल भक्ति पता कैसे चलती है? ऐसे 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 एक समय तो बहुत खुशी होगी, उसे कहते हैं उत्साह में बार बार जोर लगा के हरे जोर लगा के हरे। तो दूसरे दिन नहीं आते यार, जोर से नहीं होता। गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं बस्ता लेके, बस्ता और नई किताब, नई पेंसिल, नया चीज, बड़ा खुश। वहां जाके टीचर करती है, फिर वो कहते हैं लिख आ, वो आ लिखता है तो उससे लिखा नहीं जाता बच्चे को। वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन सिखाती है, जब नहीं लिखा जाता उसका काम मरोड़ देती है। लिखता क्यों नहीं है? अब आ जाता है क्या हो गया? तो जब भक्ति निष्ठा पे नहीं पहुंचती है, अनिश्चित भक्ति रहती है, उस समय तक क्या स्थिति रहती है? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी पीछे, ऐसी होती रहती है। योग विकल्पता वगैरह कई कई तरह की उन्होंने बातें बताई। कभी विषय ऊपर आ जाते हैं, कभी नाव पानी में, कभी पानी नाव। विषय ऊपर आ जाते हैं, कभी हम ऊपर आ जाते हैं विषयों के। जब विषय कंट्रोल हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हम देखो मैं तो साहब बन गया, और विषय आके घेर लेते हैं, मैं तो देखो डूब ही गया। ये हालत है। लेकिन जब ये सारे के सारे जो हमारे ऑसिलेशन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा, इसलिए है कि हमारे अंदर अभी मिस्टर अनर्थ पड़े हुए हैं। कौन है? और वो अनर्थ कैसे जाते हैं? भजन प्रक्रिया से जाते हैं। गुरु और वैष्णव के संकट से जाते हैं, भजन प्रक्रिया काम हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उससे क्या दूर हो जाते हैं? अनर्थ दूर हो जाती है और आदमी निष्ठा पे आके खड़ा। जब निष्ठा आ जाती है तो फिर वो डिगता नहीं, फिर वो नीचे नहीं आता। अभी भी भजन प्रक्रिया चल रही है, निष्ठा आ गई। श्रीमद् भागवत में इसलिए कई शब्द है, क्या क्या है? भक्ति, नैष्ठिक भक्ति, पहले क्या है?
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये मुख्य चीज है। क्या शब्द है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, लगभग सारे अनर्थ दूर हो गए तो क्या होगा? कौन सी भक्ति आएगी? निष्ठा वाली भक्ति आएगी। अब सोना माला कर रहे हो गुरुदेव करे, जो जिसमें निष्ठा पैदा हो गई वो सोना में टिक ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिक। सोना में बात जम जाएगी, वो सोलह की जगह 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, लेकिन फिर टिक जाएगा। यार आज मैंने जाप को ये थोड़ा छोटा सा रखा, छोटा सा रखा है। अभी टेस्ट नहीं आया, नाम तो कर रहे हैं पर नाम में क्या नहीं आया? टेस्ट नहीं। नाम में टेस्ट है, कितना टेस्ट है? जब समझो छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है, चूसता है, कभी अंगूठे में टेस्ट है, कभी चूस के देखो अंगूठे में टेस्ट तो नहीं है, लेकिन बच्चे पर टेस्ट आता है। अगर टेस्ट लेस चीज को भी लगातार चूसते रहो तो उसमें क्या जाता है? टेस्ट आ जाता है। अरे ये तो टेस्टलेस है, जो शराब पीते हैं, जो ना शराब कभी चख के देखो, ओहो इतनी पंजेंट, इतनी कड़वी, और जब शराबी उस शराब को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, यहाँ से घटिया चीज मुंह में पानी आ जाता है। तो ये घटिया चीज जब टेस्ट देने लग जाती है, तो जब हरि नाम खुद टेस्ट देने लगेगा तो वो टेस्ट कितना होगा? लेकिन कम घर हरि नाम की बोतल की हमारी अभी नहीं नहीं। हम चैट तो रहे हैं पर बोतल टेस्ट नहीं आ रहा, देख तो रहा है हरि नाम टेस्ट नहीं आ रहा। ये कौन कहाँ की अवस्था है? ये निष्ठा की अवस्था है। अब टेस्ट नहीं आ रहा इस अनर्थ के कारण नहीं आ रहा कि अभी अभी तक हम कार स्टार्ट करने के लिए बार बार क्या करते हैं? अब जब टेस्ट आने लग जाए तो गुरुदेव कहते थे यहाँ से राग वाली भक्ति शुरू हो जाती है और टेस्ट आना शुरू हो जाता है। वहाँ भक्ति क्या बन गई? भक्ति रस बनना शुरू, भक्ति रस बनना शुरू। जो लोग मट्ठी खा रहे हैं वो रस में नहीं आ पाएंगे, वो उसी भक्ति में ही भगवान के पास चले जाएंगे, वो बैकुंठ तक जाएंगे या राम तक जाएंगे। टेस्ट आने लग जाए, राग आने लग जाए, रागनों का भक्ति की हमारी शुरुआत हो जाए, तो अब उस राग का मतलब है जैसे पति पत्नी में प्रेम, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम, दोस्तों में प्रेम, वो वाला प्रेम हमारे को थोड़ा थोड़ा अंदर छलकने लगेगा, तब हमें पता लगेगा कि कृष्ण हमारे यहाँ क्या रिश्ता रखते हैं। ये संबंध ज्ञान हमारा स्ट्रांग होगा, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो क्या होगा? अभी हमें संबंध मालूम ही नहीं है, अभी हम तो भजन कैसे गाते हैं? ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, चाहे कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारा संबंध नहीं है, और फिर जब संबंध हो जाएगा तो मीराबाई जैसे समझोगे क्या है? मेरे तो घर को बात समझ करो ना, ये संबंध है। वो संबंध कहाँ से जुड़ना शुरू हो रहा है? रुचि से संबंध जुड़ना शुरू हो गया, फिर उस समय हमारे को आनंद आएगा। अभी सुनो, बड़ी जो हम भजन कर रहे हैं ना, कीर्तन करते हैं, जब हम जाप करते हैं, जाप का टेस्ट आता है, जाप में मधुरता, तो फिर दिल करेगा कि मैं क्यों नहीं माला जाऊं? क्यों?
अब जैसे शराबी को शराब मुंह लग जाने से वो पैक बढ़ाता चला जाता है, ऐसे ही रुचि का टेस्ट, भक्ति का टेस्ट, नाम का टेस्ट आने से भक्त नाम बढ़ाना शुरू कर देता है। वैसे ही बढ़ाएगा, बिना टेस्ट के बढ़ाएगा तो कुछ दिन तक बढ़ेगा और उसके बाद वो फिर रोम हो जाएगा। ये अनिश्चितता। लेकिन जब उसको टेस्ट आने लगेगा फिर उसकी इच्छा करेगी, अच्छा कि भगवान करते क्या है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, भगवान की लीलाएं कैसे हैं। वो नाम और भगवान दोनों में इंटरेस्टेड हो जाए। अभी तक नाम में चल रहा था, फिर धीरे धीरे भगवान के काम में भी नाम का मतलब लीला। जब वो भगवान और भगवान के नाम दोनों में बराबर बराबर इंटरेस्ट हो जाएगा और रुचि से ऊपर पहुंच जाएगा, ये स्टेज है। बोलते हैं सोना माला से उसमें काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अपने आप ही नहीं चलेगा। अब वो घर के कामों से विरक्त हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। घर वाले उल्टा बोले, सीधा बोले, कैसे बोले, उसको सुनाई नहीं देगा। घर की आवाज ही नहीं आएगी, उसको एक ही आवाज आएगी, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। ये बात करने से नहीं होती, ये होने से होती है। बात समझ आ रही है? करने से नहीं होती है, होने से। अभी बता रहा हूँ मैं। उस समय फिर ये आएगा कि भगवान हमें अब कुछ नहीं चाहिए, आपके घर में जाना है और आपकी सेवा करनी है, हमें तो आपका प्रेम चाहिए। जब प्रेम और भाव हमारा टारगेट बन जाए एकदम, उस समय असली भजन शुरू हो जाएगा, असली साधन है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम भाव पे पहुंच गए, भाव पे पहुंच गए तो साधन करने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप गाड़ी चल पड़ेगी। कैसे? इंजन करके ना गुड़ 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 गाड़ी चल। अब चाबी लगाने की जरूरत, अब साधन करने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर दबा दो। जैसे एक्सीलेटर दबाओ, फिर एक्सीलेटर दबाओ, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी इंजन चालू हो गया, क्या नहीं चली हुई गाड़ी नहीं चल। तो श्री रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं कि इस भाव तक, इस प्रेम तक सब लोग आ जाते हैं। गहरी भक्ति वाले भी यहाँ तक आते हैं और राग भक्ति वाले भी यहाँ तक आते हैं। राग भक्ति वालों को रागन होगा कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ना है तो यहाँ रूप गोस्वामी जी का अपना परिचय देना पड़ेगा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव तक की ये भक्ति नारायण के पास भी ले जा सकती है, अयोध्या तक भी ले जा सकती है, लेकिन अब और ज्यादा कुछ करना है। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, बोलते हैं जिसके अंदर भाव आ गया है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण के लिए संबंध पैदा हो गया, वो संबंध पैदा होने के बाद फिर वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसको पट्टियां खाता है, शरीर उसका जवाब दे जाता है, अंदर का भाव आगे बढ़ जाता है पर शरीर की क्षमता नीचे कर जाती है। शरीर जड़ होता है, जड़ में इतनी ताकत नहीं होती है, उसको फिर शरीर छोड़ना पड़ता है और भगवान यहाँ लीला कर रहे होते हैं उस जगह पे, वो किसी गोप के घर में जन्म दे देगा। अगर वो गोपियों जैसा प्रेम चाहता है तो गोपी बन जाएगा, अगर सखाओं जैसा प्रेम चाहता है तो सखाओं सखा बन जाएगा, गोप बन जाएगा, गोप बन जाएगा या गोपी बन जाएगा। अरे सोलह माला से काम होने वाला है, ये सारी की सारी प्रक्रिया। अब जब वो प्रेम की अवस्था प्राप्त करता है, गोपियों के संग बनकर वो गोपी बन जाता है, तो उस ब्रज में भी प्रेम के आगे भी कई सारे कदम है, कई सारे स्टेप हैं। वो प्रेम आगे बढ़कर स्नेह बनता है और आगे बढ़ता है तो मान बनता है, और आगे बढ़ता है बढ़ता है तो प्रणय बनता है, राग बनता है, अनुराग बनता है, सखाओं का प्रेम, माता यशोदा का प्रेम, ये अलग अलग लेवल के प्रेम। फिर गोपियों का प्रेम वहां से शुरू होता है, उसको महाभाव कहते हैं। गोपियों का प्रेम महाभाव भी और आगे बढ़ता है, कई तरह की गोपियां रूढ़ अधिरूढ़ करके वो और आगे बढ़ता चला जाता है।
ये सारे रिश्ते दिल हमको आज तक की तारीख में किसी ने भी नहीं बताए थे। जिसने बताए हैं वो कौन है? वो रूप मंजरी रूप गोस्वामी है, जो अंदर से कौन है? रूप मंजरी, जो राधा जी के इन भावों के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे ये चीजें बतलाई, किसके कहने पे बतलाई? चैतन्य महाप्रभु के कहने पे बतलाई, क्योंकि महाप्रभु राधा जी का भाव को स्वादन कर रहे हैं और उनके उनके जो अनुगत में ये रूप गोस्वामी जी हैं वो ये चीजें बतला रहे हैं और हमें भी वही चीजें प्राप्त करनी है। इसलिए हम गौड़िया वाले कौन बन गए? रूपा रूपानंद बन रहे हैं। तो राधा जी का भाव रूढ़ अधिरूप को भी माफ करके फिर मोदन मोहन और मदनक के माँ बाप को पहुंच जाता है। वही भाव को लेकर कृष्ण ढूंढना खोज रहे हैं कि राजा जी की प्रेम की महिमा क्या है। रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी बनकर नहीं आए, पुरुष बनकर आए। चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण है पर राधा जी के रूप में लीला कर रहे हैं, वो भी राधा जी बन के नहीं आए, पुरुष बनकर आए। हम सब उनके दास बन जाएंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनकी बातों को समझेंगे तो हमारे अंदर अपने आप धीरे 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 वो चीजें पैदा होंगी। देखो एक बात तो समझना अच्छी तरह से, ये जो रूप का अनुगत करने वाली परिपाटी है, जो भक्ति रस को प्राप्त करने वाली परिपाटी है, जो रागानुगा भक्ति है, जो ब्रज की विशेष भक्ति है, जिसमें मैं बहुत खुलासा जो अंदर डीप चीजें नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो मैं उससे मेरा दूर दूर से कहीं लेन देन नहीं है, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि रूप गोस्वामी जी के रूप में पुरुष के रूप में वो आए, वो शिक्षक बनकर आए, वो हमको हिदायत देने के लिए आए। उन्होंने इसके लिए ग्रंथ लिख डाले, भक्ति रस अमृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि उपदेश अमृत वगैरह ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए। इसमें इन स्टेजेस का भी वर्णन किया और इसको पाने का उपाय का भी वर्णन किया, तो संबंध भी बताया और उन्होंने अभिधेय भी बताया क्या क्या चीजें कैसे प्राप्त करनी है, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम आपस में बैठ कर चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए हमारे को लोभ पैदा हो जाएगा, तो वो लोभमय भक्ति है। लोभमय भक्ति करते हैं तो वही रागानुगा बनती है, रागानुगा बनती है तो वो जब राधा जी की सेवा करने वाली भक्ति बनती है तो वो रूपानुगा हो जाती है। तो एक ही चीज निकटते निकटते पहले आएगा भाव, फिर आएगा प्रेम, प्रेम के बाद हम रागानुगा भक्ति, रागानुगा ही कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी? रूपानुगा। और प्रेमानंद प्रभु जी बहुत अच्छे तरह से कठिन चीज को प्रभु जी बड़े एक सरल उपाय से प्रभु जी ने कोशिश किया बताने के लिए। लेकिन ये जितने सारी बात है कि उनको गोस्वामी एक ग्रंथ है जिसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु, आप पहले सुने हैं ना महाप्रभु क्या बोले, बोले भक्ति रस एक अथाह समुद्र है, उसका एक में उनको ये बिंदु चकवा रहा है। लेकिन महाप्रभु के लिए तो बिंदु है लेकिन हमारे लिए ये सिंधु है। इसलिए प्रभु जी ने उनको गोस्वामी ने वहाँ पर जो भीख दिए उन्होंने आदो श्रद्धा भक्ति का पहला भी श्रद्धा, उसके बाद में फिर साधु संग्रह किया उन्होंने स्टेज बाय स्टेज बताया। लेकिन फिर उसी चीज को दिखाने के लिए फिर रूप गोस्वामी फिर दूसरा रूप लिया, क्या क्या लिया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में फिर जगत में आए और आकर उन्होंने फिर ये ग्रंथ को रचना किया जिसका नाम माधुरी है कादंबरी। एक अद्भुत ग्रंथ है, ये ग्रंथ को उन्होंने जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि माधुरी जो कादंबरी ग्रंथ में उन्होंने किसको बता के आंखों में आंगुल लगा करके दिखा दिया, देखो अभी भक्ति का कुछ कौन सा सोपान है, कौन सा स्टेज है, श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है। तो श्रद्धा दो तरह के, कितने तरह के? दो, एक तो लौकिक श्रद्धा और एक शास्त्रीय श्रद्धा।
लौकिक श्रद्धा मतलब क्या, जैसे साधारण रूप में गुरु वैष्णव का प्रेम करनी चाहिए, ठाकुर जी का प्रेम करनी चाहिए, लेकिन अगर श्रद्धा में थोड़ी सी कोई बाधा पड़ जाए ना, थोड़ी सी अगर संसार की कोई अमंगल आ जाए, भले ही कोई चीज छोड़े नहीं करे, पहले भजन छोड़ दे, पहले हम माला ही छोड़ देंगे, मतलब माला छोड़ने के लिए पहले से तैयार हो जाए, तब ये माला हमसे छूटे, ये माला का भजन हमसे कहा ये भजन छूट जाए, इसलिए। लेकिन जो शास्त्रीय जो श्रद्धा है, भले ही जीवन में जितनी बाधा विपत्ति आ जाए, भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए, भले ही ये संसार छूट जाए, लेकिन भगवान की भजन कभी नहीं छूट, भगवान की भक्ति कभी नहीं छूटती उसकी, दुनिया तो इतनी छूटेगा ही नहीं, चांद गरीब दुनिया तुमको धोखे देगा छूटेगा, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छूटती। इसलिए इसका उन्होंने इतने बढ़िया उदाहरण दे करके इतने अच्छे तरह से समझाते हैं, इसलिए प्रभु जी ने वही चीज को घोषित किया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में उन्होंने जो ये चीज को दर्शाया, प्रभु जी सरल से सरल रूप में उन्होंने कोशिश किया उन्होंने प्रभु जी समझाने के लिए, इसलिए आज हम लोग का बहुत अच्छा दिखे, प्रभु जी आज कृपा करके बधाए, और हम लोग को इतने प्यारी प्यारी और इतने मीठे मीठे प्रभु जी कथा सुनाए, प्रभु जी की तो कथा लगेगा अभी ये वाली बात थी, ये वाली बात थी, इसलिए हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी ऐसे बीच बीच में क्या आए और हम लोगों को बीच बीच में ऐसे अच्छी अच्छी कथा सुनाए, हम जैसे धीरे धीरे भजन में आगे बढ़ सके, प्रभु जी ने गुरु जी की बड़ी सेवा की, प्रभु जी ने गुरु जी की बड़ी सेवा की है, गुरु जी की इनको पर बहुत आशीर्वाद, गुरु जी की बड़ी कृपा इनको, इसलिए तभी इतने कठिन चीज को प्रभु जी ने सरल रूप में हम लोगों के सामने उपस्थापन करके, ठीक है। और देखो अभी हमारे अंदर एक बीच में एक बेटी है, क्या नाम उसका, नवल किशोर, हाँ श्री नवल किशोर, ये भी तैयारी की कोशिश की, हाँ मैं कुछ बताना चाहती हूँ, अभी तक तो कभी देखो सबको बीच में बोलना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ी सी तैयारी की है, कोशिश की है, जैसे मैं भी कुछ रघु गोस्वामी के चरण में कुछ पुष्पांजलि दे सकूं, इसलिए ये बड़ी प्रयास की है, भी थोड़ी सी कुछ बोली आ जाते हैं, अभी क्या बोलेंगे आप उसमें, इधर आओ, माइक लेके दो, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षु विमृतमेना तस्मै श्री गुरवे नमः। पांचाकल सर्वस्य कृपा सिंधु भयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त प्रेम से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव श्री रामचंद्र प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अथवा उपस्थित वैष्णव वैष्णवी समस्त माताएं भाई बहन सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। पिछले 7-8 दिनों से हम गुरु जी के माध्यम से यहाँ पे रूप गोस्वामी जी की कथा सुन रहे हैं। मैंने गुरु जी के मुख से जो भी सुना और जो भी कुछ मैं सीख पाई, मैं उसे थोड़ा सा दोहराने का प्रयास करूंगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए थे। वो श्रीमती राधा रानी की अंग कांति व भाव को लेकर प्रकट हुए थे। अभी जैसे प्रभु जी ने बताया, उनके 6 शिष्य थे, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हाँ, एक श्लोक है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी में दया करी सह पार्षद स्वाई धाम
सह अवतारी। जब भी भगवान जीवों पे दया करने के लिए इस धराधाम में आते हैं वो अपने सह पार्षदों के साथ आते हैं। एक बार महाप्रभु अपने शिष्यों से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी, अगर इस दुनिया से अगर सारी ग्रंथ लुप्त हो जाएं तो ऐसी कौन सी ग्रंथ है जो सारी ग्रंथों की पूर्ति कर सकती है। तो किसी ने बोला कि वेद, किसी ने बोला पुराण। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया ऐसी दो ग्रंथ हैं, पहली है श्रीमद् भागवतम और दूसरी है चैतन्य चरितामृत। अगर श्रीमद् भागवतम भी लुप्त हो जाए तो केवल मात्र चैतन्य चरितामृत सारे ग्रंथों की पूर्ति कर सकती है। चैतन्य चरितामृत के पांच मुख्य प्राण है, उसमें से पहला है रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, राय रामानंद संवाद, सार्वभौम भट्टाचार्य एवं जगन्नाथ रथ यात्रा। शिक्षा में हम विष्णु गोस्वामी के जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं का के बारे में जानते हैं। रूप गोस्वामी जी का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में वेस्ट बंगाल, जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता का नाम था कुमार देव। उनके बचपन में नाम था अमर और संतोष। अमर नाम था रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी का, और संतोष नाम था छोटे भाई रूप गोस्वामी जी का। वो अभी हमने जाना कि हमारे छह गोस्वामी है, उनमें से एक कौन है, जीव गोस्वामी जी। ये जीव गोस्वामी जी कौन है, वो है रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई श्री वल्लभ आचार्य जी के बेटे, वो है श्री रूप जीव गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहले से बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत ही भाषाओं का ज्ञान था। एक राजा था, राजा हुसैन शाह, उसने रूप गोस्वामी जी व सनातन गोस्वामी जी के बुद्धि विवेक को देख करके उन्हें अपने राज्य में एक तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी, वह छोटे भाई रूप गोस्वामी जी को फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट दी, वह उनको वहां पे नया नाम दिया दबरी खाकर साथर मलिक। दबरी खास और साखर मले। दबीर खास और साखर मले। जब चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करने के 2 साल बाद जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए आ रहे थे, तो वो बीच में बांग्लादेश के कुछ राज्यों में गए। तो पहली बार रूप सनातन जी गोस्वामी जी की भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु जी से राम केली ग्राम में हुई थी। जब रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु जी से भेंट करने जा रहे थे, तो पहली भेंट उनकी श्री नित्यानंद प्रभु व हरिदास ठाकुर जी से हुई। नित्यानंद ठाकुर जी एक अखंड गुरु तत्व हैं। उन्होंने जब उनके अंदर इतनी योग्यता देखी कि हाँ वो इस योग्य हैं, तो उन्होंने उनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु जी से करवाई। तो हमें यहाँ पे एक उपदेश मिलता है कि हम डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, हमें पहले गुरु जी के अनुगत्य में रह के भजन कीर्तन करना होगा। अगर हमारे अंदर इतनी योग्यता हुई तो फिर गुरुदेव हमें आगे चलने का मार्ग प्रकाशित करेंगे। तो जब रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी को रूप इनसे भेंट हुई, तो उन्होंने उन्हें 10 दिन तक पर्याप्त में समस्त तत्वों के बारे में ज्ञान दिया। फिर रूप गोस्वामी जी व सनातन गोस्वामी जी ने राजा हुसैन शाह की नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के लिए पहले रूप गोस्वामी जी छोड़ के वृंदावन गए, और फिर सनातन गोस्वामी जी नौकरी छोड़ के वृंदावन गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए 7,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। हम लोगों को तो अभी नौकरी लगाने के लिए घूस देनी पड़ती है, उन्हें तो छोड़ने के लिए 7,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। फिर वो वृंदावन गए। वृंदावन में जाके उन्होंने किस प्रकार भक्ति करी, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन निवास किया, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन निवास किया ताकि उन्हें आसक्ति ना हो जाए। उनके पास कोई घर नहीं था, वो मधुकरी किया करते थे, ब्राह्मणों के घर जाकर के भोजन लेकर के खाया करते थे, और 24 घंटा में से वो 22.5 घंटा भक्ति किया करते थे, हरिनाम किया करते थे। सिर्फ 1.5 घंटा उन्होंने प्रसाद पाने के लिए व सोने के लिए रखा।
कथा था उसमें से भी अगर वो हरि कथा भक्ति में मग्न हो जाते थे तो वो 24 घंटा में से 24 घंटा भक्ति ही किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को चार रूप के आदेश दिए थे। पहला है राग भक्ति प्रचार, दूसरा है श्री विग्रह प्रकाशित, तीसरा है लुप्त स्थलियों का प्रकाश, चौथा है शुद्ध भक्ति ग्रंथ सेवा। शुद्ध भक्ति ग्रंथ सेवा में उनकी जो मुख्य दो ग्रंथ थी वो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये सब ग्रंथ थी। उनकी ग्रंथ की महिमा कुछ इस प्रकार है कि एक बार वो एक ग्रंथ लिख रहे थे वृद्धक माधव, तो उनकी उस ग्रंथ पर केवल मंगलाचरण सुन करके नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी और रस की महिमा सुन करके रसाचार्य राय रामानंद जी आनंद से नाच उठे, इस प्रकार उनके द्वारा ग्रंथों की लिखी हुई महिमा थी। राग भक्ति, अभी जैसे प्रभु जी ने बताया राग भक्ति, भक्ति दो प्रकार की होती है, वैद्य भक्ति और राग भक्ति। वैद्य भक्ति शास्त्रों के अनुसार की गई भक्ति और रागानुग भक्ति क्या होती है, स्वतः से स्वाभाविक रूप से की गई भक्ति। तीसरा हमारा था विग्रह प्रकाशित। विग्रह प्रकाशित पहले के टाइम में क्या था, मुसलमान लोग हिंदुओं के मंदिरों में आक्रमण करते थे, तो वो उस समय वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, तो उस टाइम के भक्तों के अंदर क्या थी, राग भक्ति थी। वो लोग सोचते थे कि हमारे गोपाल जी कैसे अपने आप को बचाएंगे, उनके वो छोटे से हैं, वो क्या करेंगे, तो वो भगवान जी के विग्रह को लेकर के उन्होंने कहीं दूर जंगल में जाके उसे जमीन के नीचे छुपा दिया था। तो गोविंद देव ने स्वयं रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में आकर के उन्हें बताया कि वहाँ पे एक किला है जहाँ पर नित्य दिन सुरभि गाय आकर के अपने आप ही दूध देती है। तो इस तरह से उन्होंने गोविंद देव के विग्रह को प्रकाशित किया था। हमारा चौथा उद्देश्य था कि वो लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश। लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश श्री रूप गोस्वामी जी की ही कृपा से श्री कृष्ण द्वारा की गई समस्त लीलाओं के बारे में हमें पता है, उन्हीं के द्वारा लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश हुआ था। हम अपने आप को रूपानुगत कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी थे कौन? रूप गोस्वामी थे रूप मंजरी। श्री कृष्ण की लीला में कौन थे? रूप मंजरी। रूप गोस्वामी जी का नाम रूप ही क्यों रखा गया? रूपा इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये हर चीज को एक रूप प्रदान कर देते थे, रूपों की छड़ियां लगा देते थे। अभी मैंने गुरुदेव के माध्यम से हमने इतनी कथाएं तो सुनी, पर वास्तविक रूप में क्या हम इन कथाओं का पालन, ये गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन अपने जीवन में कर पाते हैं? मैं अपना ही खुद एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई थी कबीर सिंह। उस समय क्या मेरे टीम में, मेरे ऑफिस में सारे टीम मेंबरों ने वो मूवी देखी। फिर मंडे को जब मैं ऑफिस गई तो सब लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि वो मूवी बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है। फिर एक मेरे टीम मेंबर ने मेरे से पूछा कि नेहा क्या तुमने वो मूवी देखी है? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि कैसी सी लड़की हो यार तुम, कब देखोगी? जब अमेज़न प्राइम में फ्री की आ जाएगी तब देखोगी। और फिर ऐसे सारे टीम मेंबर मेरे ऊपर हंसने लग गए। तो जब वो सब लोग मेरे ऊपर हंसे तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि इन्होंने मेरा हास परिहास किया और मैंने मूवी नहीं देखी तो मेरा मजाक उड़ गया। उस समय मुझे कुछ याद नहीं आया कि गुरुदेव हमें क्या शिक्षा देते हैं, हमें मूवी नहीं देखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं याद आया था, बस ये कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया। फिर जब मैंने घर में आके अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा मजाक उड़ गया है, तो मम्मी ने बोला, पहले तो मम्मी ने बहुत गुस्सा किया, एक काम कर कल ऑफिस जाना बंद कर और तू जा मूवी देखने जा पहले। तो फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि जब उस लड़की ने तेरे से ये बोला कि तुम नेहा मूवी देखने क्यों नहीं गई, तो तूने उसको आंसर क्यों नहीं दिया कि क्या तुम नवदीप गए हो, क्या तुम जगन्नाथपुरी गए हो, क्या तुम वृंदावन गए हो, यहाँ नहीं गए तो कहाँ गए हो? तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, उस समय तो मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे गुरुदेव मुझे क्या सिखाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कनेक्शन में आके मुझे बुरा लग गया कि हाँ उन्होंने मेरे से ऐसा बोला।
परिहास किया। तो इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण गुरुदेव देते हैं। एक घड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, लेकिन हमारा हम चाहते हैं कि वो घड़ा हमेशा पानी पे पूरा ऊपर तक पानी से भरा रहे। तो ऐसा हम क्या करेंगे कि वो पूरा घड़ा पूरा पानी से भरा रहे, तो हम क्या करेंगे, उस घड़े को लेंगे और पानी में ही डाल देंगे। तो इसी प्रकार जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, हमारा मन लग रहा है यहाँ पे कथाओं में, लेकिन अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वही दुनियादारी के चक्कर में आके सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे मैं भूल गई थी कि मुझे मूवी नहीं देखनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो यही एक एग्जाम्पल है। हम आजकल की यूथ जनरेशन बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी आजकल जो डिस्को और जो बार है उसमें क्या लगता है, एंट्री के पैसे लगते हैं, पर वो क्या है, पूरी तरह से फुल है, फ्री एंट्री, फ्री बुकिंग हो जाती है। लेकिन जो मंदिर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एंट्री है, और वहाँ पे जाकर के ऊपर से प्रसाद मिलता है, पर क्या है, वो पूरी तरह से खाली है। आजकल की हमारी यूथ जनरेशन इतने नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम जब भी हम लोग बोलते हैं कि बचपन से भक्ति करो, तो हम बोलते हैं कि नहीं, बुढ़ापा आ जाएगा हम तब भक्ति करेंगे जब हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। तो गुरुदेव बताते हैं कि बचपन से की गई भक्ति अमृत के समान होती है, जवानी में की गई भक्ति दूध के समान होती है, और बुढ़ापे में की गई भक्ति पानी के समान होती है। तो हमारा तो कोई गारंटी कार्ड भी नहीं है कि हम 40 इयर्स जीएंगे, 50 इयर्स जीएंगे, तो हमारा कोई ऐसा तो है नहीं, तो हमें अभी से भक्ति करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पर लास्ट में हम ये लोग कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर मजबूरी में हम वो कर जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या फोर्स होता है जो हम वो काम मजबूरी में कर देते हैं। तो एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव महाशनो महापापमा स्थिति एनम इह वैरणम। इसमें श्री अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसे बहुत सारे पाप कर्म, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं करना चाहते, पर हमारे अंदर से एक इंटरनल फोर्स होता है जो हमें मजबूर कर देता है उस काम को करने के लिए। तो अर्जुन भी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम ऐसा सब कुछ रजोगुण के संपर्क में आने से करते हैं। रजोगुण क्या होता है, तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। सत्वगुण उत्तम गुण होते हैं, रजोगुण जो हम पैसा, मनी, पावर, इन सब चीज के लिए करते हैं, और तमोगुण तो सबसे लास्ट वाले गुण होते हैं, लेजीनेस, एंगर, ये सब होता है तमोगुण। तो अब हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, गुरुदेव के अनुगत्य में रह करके भजन कीर्तन करना होगा, हरि नाम हरि कथा सुननी होगी, और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज मैंने पहली बार कथा की है, मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, या फिर मैंने कोई अशब्दों का प्रयोग किया हो, तो गुरुदेव और उपस्थित वैष्णव सभी लोग मुझे माफ कर दे, और मैं अगली बार से अच्छे से कथा कर सकूं, इसका मैं गुरुदेव से आशीर्वाद चाहती हूँ। हरे कृष्ण, बच्ची ने बहुत अच्छी बताई, लेकिन पहला बार बोली, लेकिन पहला बार में इसलिए पहला बार में बहुत अच्छी होगी, इसलिए आप लोग जितने इसकी एज के जितने लड़कियां हैं आप लोग भी कोशिश करना, देखो इसको तैयारी करने के लिए वो अथाह प्रयास की हो, ऐसे खड़े होकर नहीं बोलते, इसको हमारे प्रभु जी ने ट्रेनिंग दिया होगा। नहीं, वो महाराज जी उन्होंने लेक्चर सुने थे यूट्यूब से, लेक्चर सुने थे, और रोनी नंदन प्रभु जी की बुक्स ली थी। रोनी बाहर बुक्स कर रहे हैं ना, उसमें से एक बुक वो लेके गई थी, और वो वाली बुक केवल इन्होंने ही ली, और किसी ने प्रभु जी रोनी नंदन प्रभु बाहर बुक ले रहे थे, उसने बुक ली, इंग्लिश से बहुत सारी जगह से उसने कलेक्शन करने की कोशिश की बोलने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बोली, उसको बहुत तैयारी की होगी इतना बोलने के लिए। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे आपको कोई विषय को बोलने के लिए
कुछ दिन तो दिमाग में ध्यान करना पड़ता होगा, लेकिन फिर दिमाग की स्पीड में जैसे उसने कथा बोली कितना सोची होगी दिमाग में, तो उसका दिमाग क्या होगा, भगवान की कथा भक्तों की कथा में मन छुपा हुआ होगा, तभी जाकर की इतने बात को वो बोल पाए। अगर मन को अगर प्रभु की भक्ति में नहीं तो संतों के चरित्र में नहीं लगा कर मन क्या करेगा, यार दोस्त में यूट्यूब में और पता नहीं गंदी गंदी चीज में दिन भर स्मार्टफोन लेकर के दिन भर बैठ करके उल्टा पुल्टा यार दोस्त में मन लग जाए, लेकिन जब मन भगवान की और भक्तों के चिंतन में लग जाए यही मन भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना ये कुछ भगवान की कथा बोलने के लिए। इसलिए मथुरा में जब बड़े कुलदेव रहते थे साहब, वहां भी बहुत अच्छी लड़कियां थी जो कि सुंदर सुंदर कथा सुनाया करती थी। हम बच्ची को धन्यवाद देती हूँ देता हूँ पहला बार बोली उसने बढ़िया बात बोली। हमारे जीत प्रभु जी, जीत जी किधर आ, अभी जीत प्रभु जी देखो आज जो है ना हमारे श्री पुलिस जो बेटी ने कथा सुनाई उसको जो माता जी क्या रमा माता जी आज इन्होंने घर में जगन्नाथ जी बुलाए थे ना, जगन्नाथ जी उन्होंने अपना घर में आज का दिन उन्होंने जगन्नाथ जी को घर में लाई थी, इसलिए जगन्नाथ जी की जन्म महोत्सव का उपलक्ष्य में आज माता जी ने सभी भक्त लोगों के लिए बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था की। क्या क्या बनाए, क्या क्या बनाए, शाही पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज पुलाव, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, तंदूरी रोटी, रायता, रायता, रोज तो एक ही प्रसाद बनता है, महाराज जी आज कोई नया प्रसाद बनाओ जो कि अभी तक बनाए नहीं, इसलिए इन्होंने आज भक्त लोगों के लिए जगन्नाथ जी की जन्म महोत्सव उपलब्ध करते हुए इन्होंने आज सब भक्तों को भंडारा दिया है, क्योंकि भक्तों का हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जब भक्तों की सेवा कर लो ना भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाता है। आप देखना अपना बच्चे का बर्थडे में कितने बोतलें तोड़वा देते हैं, कितना मुर्गा को खत्म कर देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के उद्देश्य में, ठाकुर जी के उद्देश्य में कोई करेगी बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भगवान इनके परिवार को सुख शांति दे, इनको भगवान की भक्ति प्रदान करे इनके परिवार को। इसलिए मैं गुरु जी से और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आप भी इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी हमारे जीत प्रभु जी अभी जन्माष्टमी आ रही है, अभी जीत प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेगी, कुछ विशेष विशेष बातों को और अनाउंसमेंट करेगी, क्या करना है। सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अभी इतनी सारी कथा सुने ना प्रभु जी बता रहे थे, श्रद्धा कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले भक्ति का स्टेज क्या है, श्रद्धा, और जिसके अंदर श्रद्धा भी ना हो तो कैसे होगी, सुकृति से भगवान की किसी प्रकार की सेवा, भगवान के जन्माष्टमी आ रही है, कोई तन से सेवा, कोई मन से सेवा, कोई परिक्रमा में चलना, कीर्तन में चलना, या किसी भी साधु की सेवा, एकादशी व्रत करना, तो भक्ति जो श्रद्धा जो जागृत होती है सुकृति से होती है। सुकृति भगवत वस्तु का कोई भी जाने अनजाने में कोई कार्य हो जाए उसे सुकृति होती है। तो हम लोग भगवान की जो जन्म उत्सव आ रहा है 23 अगस्त का है, और आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है, और कितना 20 दिन है, 20 दिन में हम लोगों को जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है जो भगवान की जन्माष्टमी है, जैसे कल मैं बताया था राधाष्टमी है, सामर्थ्य रहते हुए बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, जितना सुंदर बना सकते हो उतना बना। तो इसमें हमारे नोएडा में हर साल बहुत सुंदर जन्माष्टमी बनती है और बहुत लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, परंतु इतनी कथा सुनाने पर भी, भक्ति इतनी दुर्लभ बताने पर भी, कृष्ण की इतनी महिमा बताने की कोई भी आगे चढ़कर भाग नहीं ले रहे, इसमें कैसे जुड़ सकते हैं हम। एक तो जन्माष्टमी कार्ड घर घर दे सकते हैं, मित्र को, पड़ोसी को, दोस्त को, आदि आदि सब जगह हम बांट सकते हैं, पैम्फलेट भी बांट सकते हैं,
और स्लिप है ना, स्लिप जैसे कटवाते एक माता जी हमारी, तो माता जी बोले थी प्रभु जी मैं तो किसी चीज के लिए मांगती हूँ, भगवान के लिए मांगती हूँ, घर घर में जाती हूँ और मेरे को जो मांगते इतना आनंद आता अंदर से खुशी मिलती, किसके लिए मांगा, भगवान के लिए। तो इस चीज में ना सुनने का लाभ किया कि भगवान के चरणों में किसी तरह से हमें जुड़ना है, और कैसे जुड़े, सेवा के माध्यम से। भक्ति का जो पहला अंग पूरा क्या है, श्रद्धा, और भक्ति जो प्रेम है वो सेवा, सेवा ही प्रेम है, प्रेम और सेवा का एक ही नाम है, इसी को भक्ति कहते हैं वास्तव में सरल रूप में। तो सेवा करनी पड़ेगी पहले, किसकी, भगवान की, गुरु की और वैष्णव की। तो सेवा से हम लोग जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ेंगे, जैसे मैंने बताया कोई शारीरिक रूप से सेवा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैम्फलेट बांट रहा है, तो कुछ पैसे नहीं, कोई बात नहीं, सबको भगवान की जन्माष्टमी है, भागवत कथा हो रही है, आप लोग आइए, तो सभी लोग आज कम से कम पैम्फलेट लेके जाना, थोड़े जन्माष्टमी कार्ड लेके जाना और स्लिप लेके जाना, और कल जैसे मैं नगर संकीर्तन किया रविवार को, कल 6:30 बजे सब लोग यहाँ पर आ जाना, धूमधाम से मॉर्निंग वॉक में बताया कितनी सुंदर रूप से हुई, और कीर्तन करते हुए गाते हुए भगवान का हम लोग निमंत्रण दे, भगवान की जन्माष्टमी का निमंत्रण देते हुए गली गली में सब लोग जो माया में सोए हुए जीव है उनको गुरु जी की कृपा से प्रार्थना करते हुए जगाते हुए सबको निमंत्रण देने जाएंगे। इसमें सभी लोग जितने भी लोग आए यहाँ वो तो आना ही आना, स्त्री पुरुष बच्चा सभी लोगों को आना है, अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी लाना, कल नाश्ते में बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है, नाश्ता में क्या क्या, सुबह क्या बनेगा, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कल नाश्ता भी बढ़िया है, भगवान की सेवा करने के लिए हमारे कहते हैं कदम मेरे लिए चल के, जितने भक्त लोग आए हैं साथ में 10-10 कम से कम अड़ोसी पड़ोसी को लेकर गया, कल ऐसे यहाँ पर नगर में फिकर की जाएंगे, जैसे रथ यात्रा में, जैसे रथ यात्रा में चलते हैं ना, सब कौन फिर देखा कौन कौन आए, कल में देखा कौन कौन आए थे, सुबह 6:30 बजे सबके सब 6:30 बजे अंदर में सबके सब यहाँ उपस्थित हो जाना। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जैसे एक पत्थर लेकर के पानी में फेंको, पता उसमें क्या होगा, लहरी आई, फिर दो बार लहरी आई, फिर उसी तरह अभी जगत में कलयुग में बड़े बड़े पाप कर्म लोग कर रहे हैं, गुरु जी कहते थे, लेकिन जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं उसका जो कि शब्द ब्रह्म है, ये कोई साधारण नहीं, ये शब्द ब्रह्म है, पर ये शब्द चारों तरफ में फैलती रहती है, जितने दूर तक ये हरे कृष्ण महामंत्र की नाम गूंज उठे उतना दूर तक जितने अमंगल कहते ना मंगल भवन अमंगल आज सारे अमंगल नष्ट हो जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर 100,000 हरिनाम करते थे जोर जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा क्या उत्तर दिया, बोले ये बताओ एक व्यक्ति कमा करके खून खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन, बोले जो परिवार को खिलाता है, बोले उसी तरह जो अकेला अकेला भगवान का नाम लेता है उसका अकेला कल्याण होता है, लेकिन जब जोर से जब हम हरिनाम करते हैं जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लता पता ये कोई हरिनाम नहीं कर सकते हैं, जब उनको कानों में भगवान की आवाज पड़े उनका भी उद्धार होता है। तो उन्होंने शास्त्र का एक श्लोक उठाया, बोले जो मन मन में हरिनाम करते हैं उनका जो पुण्य, जब कोई जोर जोर से हरिनाम करते हैं सत्तो गुणा को 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, कितना गुण मिलेगा, 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, इतने महिमा। इसलिए महाप्रभु सवेरे सवेरे उठकर क्या करते थे, भक्तों को लेकर गली गलियों में सर्वत्र हरिनाम कीर्तन प्रचार करते थे, यही महाप्रभु का आदेश, भगवान का आदेश है, ठीक है ना। कल हम देखेंगे कौन आता है और कौन नहीं आता। और जैसे कि महाराज जी ने हमारे ज्येष्ठ गुरु ग्रंथ रामचंद्र जी बहुत दूर से आए जनकपुरी से,
और स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था इनका। इतनी सुंदर सुंदर सरल भाषा में कथा सुनाई, हंसाया भी, गंभीर कथा भी सुनाई, तो इनका आप जोरदार ताली से आप धन्यवाद करेंगे। राम सुन भी आए हमारे लिए, कल हम लोग जाएंगे बसवर के जनकपुरी प्रभु जी के पास, प्रभु जी आए, हम सब लोग भी मठ में जाएंगे कल 2:30 बजे, सब लोग यहाँ पर आ जाना 2:30 बजे, जो लोग जाना था बस में जाना, हाँ प्रसाद पाना कथा कीर्तन सब फ्री होगा, यहाँ पर 10 बजे वापिस आएंगे, तो दोपहर को हम 2:30 बजे सब लोग आना, 3:45 बजे हम निकलेंगे बस में। देखो जैसे जन्माष्टमी में जब हम मथुरा में थे ना, जब हम मथुरा में थे तब गुरुदेव जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में सब भक्तों को उत्साहित करते थे, सब भक्तों को उत्साहित करते थे, बोले देखो जैसे गिरिराज गोवर्धन स्वयं उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी सेवा में जो एक अन्न की दाना भगवान गिरिराज कृष्ण ही है, उनको सेवा में लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी। भगवान की जन्मोत्सव हो रहे, अब देखना अपना बच्चे की बर्थडे में क्या क्या नहीं करते हो, कितनी यार दोस्तों बुलाते हो, क्या क्या भजन गाते हो, गाना गाते हो, केक कटवाते हो, और कृष्ण का अपना असली बेटा है, कृष्ण हमारी असली बेटा, हम चाहते हैं आप यहाँ जितने भक्त आए हैं आप जीत पर प्रभु से रसीद बुक ले लेना, रसीद बुक लेकर अड़ोसी पड़ोसियों से कुछ कुछ भगवान के लिए मांगना, अपना लिए तो जिंदगी भर मांगे, भगवान की जन्मोत्सव के लिए सबसे कुछ ना कुछ डोनेशन लेना, ठाकुर देख रहे हैं जिससे लोग उसका भी कल्याण आपका भी कल्याण है, और जो भागवत कथा हमारे 55 सेंटर में 18 तारीख से होगी सबको निमंत्रण देना, प्रत्येक दिन कथा फिर प्रसाद की व्यवस्था, फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 25 तारीख को धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलेगा, इसलिए हम चाहते हैं भगवान की जो जन्मोत्सव बढ़िया से बढ़िया रूप में हम लोग ने हम पालन करेंगे, ठीक है। कलसी वृंदावन की हरि लाल की जय। और जो कलश यात्रा में उसी समय बोलते हैं ना वो होता नहीं है, इसलिए आज ही नाम लिखा दिया, माता कलश उठाने जाती है भागवत में तो आज ही नाम लिखा, अभी आरती होगी, आरती का प्रसाद हरि बोल, सब सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी आरती और प्रसाद रामचंद्र प्रभु ना ऊपर से लेकर साथ में बोलते हो, हरि बोल तुम चले जाओ प्रभु को प्रसाद दे, हरि तो कहाँ गया, हरि हरि बोल प्रभु जी को ऊपर लेकर के हम भी बोला बोला बोले वाला बोलते हैं हरे कृष्णा, अगर कोई प्रभु जी को प्रणाम करके प्रणामी देना चाहते तो दे सकते रामचंद्र प्रभु जी को, हरे कृष्णा सभी लोग सुनिए, अगर कोई प्रभु जी को प्रणाम ही देकर के अगर प्रभु जी को प्रणाम करना चाहते तो दे सकता है, बोलो सच्ची नंदन गौर हरि की जय, की बजयो जयो बोला चले हरि को Thank you.
Thank you.
जय 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 जय
Hari Bol, 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 Hari Bol,